أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي respected viewers السلام عليكم this is me Chaudhary Mohammad Maroof Advocate High Court and you are watching my YouTube channel Today I'm going to discuss another topic which is about law of evidence 1984 Today's topic is difference between admission and confession viewers aaj ka topic mera ye hai ki iqrar aur iqrar e jurm mein kya fark hai to aaiye aaj ke is topic ko shuru karte hain सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एक दफ़ा कर लेते हैं इकरार व्यूअर्स जब दीवानी मामलात में किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इकरार एंड जब यही इकरार फौजदारी मामलात में किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इकरार जुर्म और यू कैन से कन्फेशन एडमिशन एंड कन्फेशन इकरार एक ज़बानी या तहरीरी बयान है जो किसी वाक़या तनकी तलब या किसी हकायक के बारे में दूसरे फरीक की तस्दीक करता है इकरार जुर्म से क्या मुराद है फौजदारी मुकदमात में खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को इकरार जुर्म कहते हैं और जुडिशल कन्फेशन क्या है इसके मीनिंग व्यूअर्स ये हैं कि ऐसा इकरार जो किसी मैजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू किया जाए और दफ़ा 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू किए जाने वाला इकरार ही दुरुस्त समझा जाता है अब इसकी एडमिसिबिलिटी देख लेते हैं अदालती इकरार जो है ये काबले अदहाल शहादत होता है और ऐसा इकरार जो किसी अदालत या किसी मजिस्ट्रेट के अलावा या ऐसा इकरार रजाकाराना तौर पर बगैर किसी जबर कोर्शन के किया गया हो अदालती इकरार जब दुरुस्त तौर पर किया गया हो तो जो इस पर किसी भी मुजरम को सजा दी जा सकती है ऐसा इकरार जो किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जाए और ना ही किसी अदालती कार्रवाई के दौरान किया जाए यानी ना वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए ना वो किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा हो तो ऐसा इकरार गैर अदालती इकरार होता है और गैर अदालती इकरार व्यूअर जो है वो एडमिसिबल नहीं होता वो काबिल अदहाल शहादत नहीं होता ऐसे इकरार को तस्लीम नहीं किया जा सकता तो जो गैर अदालती इकरार है ये काबिल अदाल शहादत होता है बशर्ते कि ये किसी जबर तरगीब धमकी कोर्शन या फोर्सफुली ना किया गया हो या रजाकाराना तौर पर किया गया हो तो फिर काबिल अदाल शहादत है और जो टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है गैर अदालती इकरार तहरीरी या ज़बानी तौर पर किया जा सकता है अगर दस्तावेज़ की शक्ल में व्यूअर्स किया जाए तो मुतलका दस्तावेज़ को पेश किया जाना ज़रूरी यानी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत किया गया तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस करना लाजमी है ज़रूरी है अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इकरार और इकरार जुर्म में फ़र्क क्या है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि इनके दर बिटवीन डिफरेंस क्या है नोयत का फ़र्क इकरार की इस्तलाह दीवानी मुकदमात में इस्तेमाल होती है जबकि इकरार जुर्म जो है वो फौजदारी मामलात में इस्तेमाल होता है आगे सनफ व किस्म इसकी क्या हो सकती हैं इकरार एक सनफ है जबकि इकरार जुर्म एक किस्म है इनके असरात का फ़र्क क्या है दीवानी मुकदमात में इकरार करने से दूसरों के हकूक जन्म लेते हैं जबकि फौजदारी मुकदमात में हकायक को तस्लीम करने से किसी जुर्म का वजूद वाज़े हो जाता है यानी जब भी फौजदारी मामलात में आप इकरार करेंगे तो किसी भी जो ऑफेंस है ना उसकी जो
जो उसका वजूद है वो क्लियरली वाजिया हो जाएगा। इकरार जो है व्यूअर्स, ये कोई कतई सबूत नहीं होता, जबकि जो इकरार जुर्म है इसको हतमी सबूत तस्लीम किया जाता है। यानी कि एक बंदे ने जो जुर्म है वो एडमिट कर लिया है, तो ये क्लियरली वाजिया हो जाएगा कि उस वो कंक्लूसिव जो है प्रूफ ऑफ एविडेंस बन जाएगा। इनके रिकॉर्ड का क्या फ़र्क हो सकता है? इकरार को काबिले अदहाल शहादत बनाने के लिए व्यूअर ज़रूरी है कि इसे रजाकाराना तौर पर किया जाए, इसमें ज़बरदस्ती ना हो, कोर्शन जबर ना हो। और जबकि इकरार जुर्म को रजाकाराना तौर पर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, इकरार जुर्म जो है वो रजाकाराना तौर पर रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है। इकरार की सूरत में सज़ा देने के लिए इसकी तस्दीक तायदी शहादत से होती है, करना ज़रूरी भी होती है, जबकि इकरार जुर्म में ऐसी किसी तायदी शहादत की ज़रूरत नहीं होती। इकरार कुनंदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जो इकरार जुर्म है ये हमेशा इकरार कुनंदा के ख़िलाफ़ होता है, उसके अगेंस्ट होता है। इकरार को दूसरे मुंसलिक मुलजमान जो है इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि इकरार जुर्म को दूसरे मुश्तरक जो मुलजमान है को एक्यूज हैं इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इकरार से कोई बंदा मुनर्रफ हो सकता है, जबकि इकरार जुर्म से मुनर्रफ जो इकरार है इसे मुनर्रफ नहीं किया जा सकता, जबकि इकरार जुर्म से मुनर्रफ हुआ जा सकता है। इकरार जुर्म करने के बाद भी आप उससे मुनर्रफ हो सकते हैं। इकरार किसी पुलिस अफसर के रूबरू भी किया जा सकता है, और इकरार जुर्म किसी पुलिस अफसर के रूबरू किया गया हो तो वो काबिले दहाल शहादत नहीं होता। सिंपली इसमें व्यूअर्स ये है कि जो इकरार है वो पुलिस अफसर के रूबरू भी किया जा सकता है और उसको माना जाता है, और जो इकरार जुर्म है वो अगर पुलिस ऑफिसर के बिफोर या उसके सामने किया जाए तो वो काबिले दहाल शहादत नहीं होता, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान फौजदारी मुकदमात में एडमिसिबल नहीं समझा जा सकता, या किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ नहीं बतौर तायदी शहादत तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें व्यूअर्स ये होता है कि माइटी चांसेस होते हैं कि जो इकरार जुर्म करने वाला शख्स है या स्टेटमेंट देने वाला, वो पुलिस के दबाव, कोर्शन, डर और खौफ की वजह से ऐसा बयान दे सकता है। इसलिए हमेशा फौजदारी मुकदमात में इकरार जो है या जो कोई भी स्टेटमेंट है वो जो मजिस्ट्रेट के बिफोर दी जाए वो काबिले दहाल शहादत होती है। इकरार किसी कारिंदा के ज़रिए भी हो सकता है, कोई एजेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, जबकि इकरार जुर्म हमेशा मुलजम खुद करता है। जो एक्यूज पर्सन है वो इकरार जुर्म हमेशा खुद भी कर सकता है। अच्छा व्यूअर्स, इकरार जो है ये एक वीक शहादत है, जबकि इकरार जुर्म जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। इस पर किसी भी एक्यूज पर्सन को सेंटेंस जो है वो दी जा सकती है, अवार्ड की जा सकती है, सजा दी जा सकती है। इकरार इकरार जुर्म से ज़्यादा वसत रखता है, इकरार जो है वो इकरार जुर्म से ज़्यादा वसत रखता है। इकरार से किसी हक या जिम्मेदारी से बरात हो सकती है, जबकि इकरार जुर्म से फर्द मुजरम बन जाता है। इकरार से तो आपकी जो है वो आपकी छूट हो सकती है, जबकि इकरार जुर्म से छूट नहीं हो सकती, वो आपको एब्सोल्युटली एक्यूज साबित कर देता है और इस बिना पर आप जो है मुजरम बन जाते हैं। आज का ये, चूँकि प्रीवियस टॉपिक सारे इसी के रिलेटेड थे जो कन्फेशन और एडमिशन के रिलेटेड, आज मैंने कहा इनके डिफरेंसेस बयान कर दूँ। हमारी इस तमाम जो हमने बात की है इसका कंक्लूजन व्यूअर्स ये है कि इकरार जब भी दीवानी मुकदमात में किया जाए और फर्द दूसरे शख्स के हकायक को दुरुस्त तस्लीम करे तो इसे इकरार कहा जाता है, लेकिन जब फौजदारी मुकदमात में व्यूअर्स मुकदमात के ऊपर खुद पर लगाए गए इल्जामात को कोई बंदा दुरुस्त तस्लीम करे तो इसे इकरार जुर्म कहा जाता है।
ऐसा इकरार जो मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जाए अदालती इकरार कहलाता है, जबकि गैर अदालती इकरार ऐसा इकरार है जो मजिस्ट्रेट के रूबरू तो ना किया जाए और ना ही किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा हो। ये थे डिफरेंसेस जो इकरार और इकरार जुर्म के बिटवीन। तो आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं, आज का सारा टॉपिक इसी के ऊपर था। उम्मीद है आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ होता है उसके ऊपर क्लिक करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप सबकी आरा का मुंतज़िर रहूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चौधरी मोहम्मद मारूफ एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल करीम की 19वीं सहरी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह।